गाइस, आपको ये बात तो पता होगी कि गैजेट्स हमारी लाइफ को आसान बनाने में कितना बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो इसी के चलते आज हम आपके लिए लेकर आए हैं 10 ऐसे गैजेट्स जो आपको एंटरटेन भी करेंगे और आपकी प्रोडक्टिविटी को भी बूस्ट करेंगे, और आप इनमें से कुछ गैजेट्स को amazon.in से भी खरीद सकते हैं। तो जानने के लिए देखते रहिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा एंड तक, ताकि आपसे कोई भी गैजेट मिस ना हो पाए। भाई गैजेट मिस हुआ ना तो प्रोडक्टिविटी भी समझो कि गई कहां हमसे, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और हम स्टार्ट करते हैं विद नंबर 1 स्मार्टफोन होल्डर। अब दोस्तों आप खुद ही समझ गए होंगे कि हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट कैसे हो सकता है। ये एक फोन होल्डर है जिसे कहीं पे भी दीवार पर चिपकाया जा सकता है, और इसे चिपकाने के साथ ही साथ इसमें एक एडहेसिव टेप भी दिया हुआ है, मस्त है ना, जो कि डबल साइडेड होता है यार। तो दोस्तों इसे फिट करने के लिए आपको दीवार में छेद वेद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस मस्त इसका रैपर निकालो और चिपका दो, हो गया काम। जी हाँ, डबल साइड वाला टेप है ना, सही है भाई, इसको बहुत मजबूती के साथ होल्ड करता है ये, ताकि आप इस पे 3 किलो तक का वजन डाल सको और वो गिरेगा नहीं। और ये सभी तरह के स्मार्टफोन्स को बड़े ही आसानी से होल्ड कर लेता है, वैसे ही हमारे फोन बड़े हल्के होते हैं, और साथ ही साथ इनके सेफ रहने की गारंटी भी हमें ये खुद देता है। इस फोन होल्डर की कीमत आप गेस करें, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इसे आप Amazon पर सिर्फ भाई 109 रुपए में खरीद सकते हो यार। खरीदने की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी है, बहुत सही प्राइस में है। नंबर 2 टेलीस्कोपिक लालटेन। दोस्तों इस गैजेट को देखकर आपको लग रहा होगा कि भाई ये तो कोई जबरदस्त वाला टेलीस्कोप है, मगर ऐसा नहीं है यार, ये कोई टेलीस्कोप नहीं है, ये एक टॉर्च है। जी हाँ दोस्तों, इसे टेलीस्कोपिक लालटेन कहते हैं क्योंकि ये दिखने में बिल्कुल टेलीस्कोप की तरह दिखता है, और इसे आप बिल्कुल एक टेलीस्कोप की तरह खड़ा भी कर सकते हैं। दोस्तों इस टॉर्च को आप एक टावर की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जब हमारे हाथ में टॉर्च होता है तो सिर्फ हमारे सामने ही लाइट आती है, मगर जब ऊपर लाइट जलती है तो बहुत दूर के एरिया में रोशनी फैल जाती है। आप इस टॉर्च को 1 मीटर तक लंबा कर सकते हो और अपने बैकपैक में रख कर दूर तक रोशनी फैला सकते हो, सही है ना भाई। और इस टॉर्च को खास कर उनके लिए बनाया गया जो रात के समय बाहर निकलते हैं, और इसे कहीं पर भी एक लैंप की तरह भी आप रख के अपना काम मस्त कर सकते हो। और इसका बेस मैग्नेटिक है, और बस एक ही टच में ये ट्राइपॉड बन जाता है भाई। ये वाटर प्रूफ भी है, और इसकी लाइटिंग मोड तो भाई गजब है यार, एडजस्ट की जा सकती है, और आप इसे घर में डेली नीड्स के लिए भी या फिर फोटोग्राफी करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो। वैसे यार फोटोग्राफी करने में ना बहुत सही इम्पैक्ट आएगा, करके देखना। नंबर 3 स्मार्ट लॉक। दोस्तों यार जब सब कुछ स्मार्ट बनता जा रहा है, हमारे फोन से लेकर हमारे टीवी तक, तो यार आप घर के दरवाजे में वही पुराना ताला चाबी वाला सिस्टम क्यों लगा रहे हो भाई। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा स्मार्ट लॉक जो आपको ताला और चाबी के झंझट से तो आजाद करेगा ही करेगा, साथ ही साथ में फुल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करेगा। सिक्योरा एक ऐसा स्मार्ट लॉक है जो सिर्फ आपकी फिंगरप्रिंट से ही खुलता है। अब आप सोचने लगे होंगे कि जब आप यार घर के बाहर होंगे और आपके फैमिली मेंबर्स को घर के अंदर जाना होगा तो वो क्या करेंगे, क्या आपकी उंगली काट के ले जाएंगे क्या? नहीं यार। तो दोस्तों इस लॉक में आप सिर्फ अपना ही फिंगरप्रिंट नहीं बल्कि उन सभी का फिंगरप्रिंट ऐड कर सकते हैं जिसे आपको अपने घर की चाबी देनी होती है, और क्या। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि आप इस लॉक को अपने फोन से कनेक्ट कर सकते हो यार, और सिक्योरा के ऐप में जाकर फोन से डोर को लॉक और अनलॉक कर सकते हो, सही है ना भाई। तो कैसा लगा ये स्मार्ट लॉक, स्मार्ट है ना। नंबर 4 अल्फ्रेडा S6। दोस्तों ये है एक ई बाइक यानी कि इलेक्ट्रिक बाइक। शायद आपने इलेक्ट्रिक बाइक्स के बारे में सुना ही होगा, या फिर हो सकता है कि आपके पास एक ई बाइक हो भी, लेकिन दोस्तों आपने कभी अल्फ्रेडा जैसी ई बाइक नहीं देखी होगी। ये एक ऐसी ई बाइक है जिसे सिर्फ एक ही स्टेप में फोल्ड किया जा सकता है, और वो भी सिर्फ एक ही सेकंड में। बाकियों से अलग इसमें आगे 2 पहिए हैं और पीछे 1 है, क्योंकि इसे अल्ट्रा सेफ्टी के साथ डिजाइन किया गया है, और इस बाइक को चलाना बहुत ही आसान है। अगर आपको साइकिल चलाना आता है तो आप इस बाइक को आसानी से चला लेंगे। दोस्तों इसके शॉक अब्सॉर्बर जब जर्किंग पड़ती है ना, तब इसका चक्का 11 इंच तक मूव हो जाता है और आपको एक्सीडेंट से बचा लेता है। आप इसे 40 डिग्री तक डेविएट कर सकते हैं, और इसमें बैलेंस हाइड्रोलिक डिस्क ब्रेक लगा हुआ है जिससे ज्यादा सेफ और सेंसिटिव है। इतना नहीं दोस्तों, इस बाइक को पार्क करने की भी टेंशन नहीं होती क्योंकि आप इसे फोल्ड करके कहीं भी छोटी सी जगह में फिट कर सकते हो, सही है ना। और आपको इसके साथ 2 राइडिंग मोड्स भी मिलते हैं जो कि है फ्री राइडिंग मोड, इसमें खाली सड़क पर फुल स्पीड में फ्रीली बाइक को चला सकते हो, और दूसरा मोड है सेल्फ बैलेंसिंग मोड, इसमें बाइक का हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल मोमेंट रुक जाता है और बाइक स्टेबल हो जाती है मस्त तरीके से, जिससे आपकी सेफ्टी बढ़ जाती है भाई। नंबर 5 फेनेस वॉच 1। अब दोस्तों क्या आप भी अपने बच्चों के कंटिन्यूअसली फोन पर लगे रहने से परेशान हो? सब परेशान है भाई, आजकल की यही समस्या है। आजकल के बच्चे ना दिन भर फोन पर न जाने क्या ही क्या देखते रहते हैं यार, कोई गेम्स खेलता रहता है तो कोई यूट्यूब पर वीडियोस स्क्रॉल करता रहता है,
ऐसे में उनकी आंखों पर बुरा असर पड़ता है। और ये बात तो हम सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि फोन पर लगे रहने से उनका फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं हो पाती है, इसीलिए आजकल के बच्चे बीमार भी ज्यादा पड़ते हैं। आजकल के बच्चों के लिए ना स्मार्टफोन्स एक चुनौती बन गई है, मगर दोस्तों इसका सामना करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन तरकीब निकाली गई है, फैन एस। एक ऐसी वॉच है जो आपके बच्चों की दुनिया में एक नया नजरिया ला सकता है। ये एक स्मार्ट वॉच है जिसे बच्चे पहनकर टाइम तो देख ही सकते हैं, साथ ही साथ वो सब कुछ कर सकते हैं जो उन्हें स्क्रीन से दूर रख सके। दोस्तों इस वॉच को इस मोटिव से डिजाइन किया गया है कि जिससे बच्चे अपनी फैमिली और फ्रेंड से प्रैक्टिकली जुड़े रहें। और इस वॉच में गेम्स को छोड़कर सब कुछ है भाई, लेकिन लिमिटेड। आप इस वॉच की एक्टिविटी को अपने फोन पे देख सकते हैं और इस वॉच में कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, चैटिंग, इमेज शेयरिंग, लोकेशन शेयरिंग का भी ऑप्शन है। सिर्फ इतना ही नहीं, इस वॉच में सिर्फ वही कॉल या चैट कर सकता है जिसे आप स्कैन करके एक्सेस देते हैं, तो आप खुद उनको सेलेक्ट कर सकते हैं जिसे आप अपने बच्चों से बात करवाना चाहते हैं। और इस वॉच को पहनकर बच्चे जहां जा रहे होते हैं उसका लोकेशन आपके फोन में आ जाता है। इस वॉच में कैमरा भी है जो मूव होता रहता है, आप इससे सेल्फी भी ले सकते हैं। अब आप ही बताइए, जब आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन होगी कि आपका बच्चा कहां जा रहा है, किससे बातें कर रहा है, तो क्या आप अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजेंगे? जी हां, ऐसे में उनका फिजिकल एक्टिविटी भी बढ़ेगा और स्क्रीन टाइम घटेगा। सही है ना दोस्तों? नंबर 6, वॉइस ऑन। दोस्तों अगर आप खुद के वीडियोस बनाना या रील बनाना या ब्लॉगिंग करना पसंद करते हैं तो वॉइस ऑन आपके लिए सबसे अच्छा सेल्फी स्टैंड हो सकता है। ये एक ऑल इन वन स्टैंड है जिसे एक बार फोन में फिट कर लिया ना तो बस आपका सारा काम इसी में हो जाएगा, यहाँ तक कि आपका फोन भी चार्ज होता रहेगा। ये ट्राइपॉड हाइट एडजस्टेबल है जिसे आप अपने हिसाब से ऊपर या नीचे कर सकते हैं और इसका एंगल भी चेंज कर सकते हैं। दोस्तों जब आपको अपने फेस का वीडियो रिकॉर्ड करना है तो आप इसके स्टैंड को बिल्कुल सीधा रख सकते हैं, और जब आपको नीचे किसी एक्टिविटी को रिकॉर्ड करना है तो आप इस स्टैंड को नीचे सेट कर सकते हैं। साथ ही इसके लाइट्स भी काफी अच्छे हैं, इसमें 3 मोड्स होते हैं, कोल्ड लाइट, नेचर लाइट और वार्म लाइट। नंबर 7, वाईफाई बूस्टर। दोस्तों वाईफाई बूस्टर का मतलब आप समझ रहे होंगे कि ये कोई ऐसा गैजेट है जो वाईफाई की स्पीड को बढ़ा सकता है, मगर क्या ऐसा मुमकिन है क्या? सोच कर देखिए, क्या वाईफाई की स्पीड को बढ़ाया जा सकता है? हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं, ये एक ऐसा गैजेट है जो वाईफाई की स्पीड को बूस्ट कर देता है। अगर आपके घर में वाईफाई है और उसका रेंज आप तक नहीं पहुंच पाता है तो आप इस वाईफाई चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक ऐसा वाईफाई बूस्टर है जो कि निंटेंडो स्विच के लिए बनाया गया, यानी कि गेमर्स के लिए। इसे आपको बस अपने कंसोल पर लगाना है और इसके बाद ये वाईफाई की स्पीड को 3 गुना ज्यादा कर देता है भाई, जिससे आपकी गेमिंग एक्सपीरियंस काफी अच्छी हो जाती है और मस्त हो जाती है। तो अगर आप भी एक निंटेंडो यूजर हो तो भाई आपके लिए मस्त गैजेट है यार, लो और गया। नंबर 8, कार्बन फाइबर व्हाइट बोर्ड। दोस्तों इसका नाम तो व्हाइट बोर्ड है मगर ये एक ब्लैक बोर्ड कलर का छोटा सा बोर्ड है। जैसे कि बचपन में हमारे पास छोटा सा बोर्ड हुआ करता था ना और जिस पर हम चौक से लिखा करते थे, ये ठीक उसी तरह का मॉडर्न वर्जन है। दोस्तों इस बोर्ड पर आप मार्कर से कुछ भी लिख सकते हैं और इरेज भी कर सकते हैं। दरअसल इसे डेस्क के लिए बनाया गया। दोस्तों ऑफिस में पढ़ते टाइम और घर में हमें अक्सर इम्पोर्टेंट बातों को नोट करना पड़ता है और तब हम पेपर या फिर नोटपैड में उसे लिख देते हैं और फिर पता नहीं कहां वो भी गुम हो जाता है। आपको पेन और पेपर का इस्तेमाल ना करना पड़े इसीलिए इस कार्बन फाइबर बोर्ड को बनाया गया, जिसे आप अपने डेस्क के सामने रख के सभी जरूरी बातों को नोट कर सकते हैं और बाद में रब भी कर सकते हैं। सही है भाई, है ना? नंबर 9, मेजर 3D। दोस्तों आपने कई तरह के मेजरमेंट टेप्स देखे होंगे मगर मेजर 3D कुछ अलग ही तरीके का मेजरिंग गैजेट है। ये एक ऐसा लेजर मेजरमेंट टेप है जो फुल एडवांस टेक्नोलॉजी से बना हुआ है, जिसे आप अपने फोन से कनेक्ट करके अपना काम भी कर सकते हैं। चलिए अब आपको ये बताते हैं कि आखिरकार ये काम कैसे करता है। दोस्तों जब आपको किसी जगह का मेजरमेंट करना हो तो बस इस गैजेट को रूम के बीचों बीच या फिर किसी ऐसे कोने पर रख दीजिए और इसके बाद ये रोटेट होकर लेजर की मदद से पूरे रूम का डायमेंशन मेजर करके आपके फोन पर डिस्प्ले कर देगा कि लो भैया ये है आपके रूम का मेजरमेंट। और आप इसे मैन्युअली रोटेट भी कर सकते हैं अगर आपको टेढ़ी मेढ़ी हाइट नापनी है तो, और इसकी मदद से पूरी की पूरी वैल्यू आपको डिस्प्ले में दिख जाएगी, फिर आप करो जो करना उस डेटा का। नंबर 10, मेडिकेशन डिस्पेंसर। दोस्तों ये बहुत ही काम का गैजेट है। इसे बीमार लोगों के लिए बनाया गया है जो कि मेडिकेशन पर रहते हैं। वो अक्सर टाइम पर दवा लेना भूल जाते हैं, कभी कभी गलती हो जाती है और कब कौन सी दवा लेनी है उन्हें याद नहीं रहता है। तो अब इसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये एक ऐसा मेडिकेशन डिस्पेंसर है जिसके अंदर आप अपने मेडिसिन को डालकर किस टाइम पर कौन सा मेडिसिन लेना है ये आप सेट कर सकते हैं। ये टाइम टू टाइम आपको रिमाइंडर देता रहता है और आपके सामने मेडिसिन भी निकाल देगा। आप अपने फैमिली के बीमार मेंबर्स की मेडिकेशन एक्टिविटी को अपने फोन पर देख सकते हैं और उनका अच्छे से ध्यान रख सकते हैं। सही ना?
दोस्तों मस्त है। तो गाइज ये थी आज के 10 गैजेट्स। आपको इनमें से कौन सा गैजेट सबसे मस्त लगा नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए, और अगली वीडियो में आपके लिए हम लाएंगे ऐसे ही कमाल के गैजेट्स। तो वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया।